हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्ञानप्रियो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 16/5/19 का। 16 मई का हम लोग करंट अफेयर टॉप 10 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे जॉब रिलेटेड या करंट अफेयर, सब आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखिए 16 मई 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो टॉप 10 रहेंगे, इसमें से पहला जो दिया गया है क्या है, ज्योमी इंडिया ने भारत के किस शहर में स्मार्टफोन वेडिंग मशीन MI एक्सप्रेस कियोस्क लॉन्च की है। ये कहाँ पे की है, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और कलकत्ता, इसका ऑप्शन में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाता है देखिए बेंगलुरु। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया, वर्ष 2019 की मार्च तिमाही में किस टेलीकॉम कंपनी को 4,482 करोड़ का घाटा हुआ, ये कौन सी टेलीकॉम कंपनी है। पहला है एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया दिया गया है, उसके बाद एयरसेल दिया गया है। तो ये कौन सी कंपनी है, वोडाफोन आइडिया का। तीसरे नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए किससे मंजूरी दे दी है, सुप्रीम कोर्ट, राज्यसभा, लोकसभा और केंद्र सरकार। इसका सही आंसर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है, देखिए नेपाल की कमी रीता शेरपा कौन सी बार दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकलौती पर्वतरोही बन गई है, ये सातवीं बार, बारहवीं बार, कितनी बार ये चढ़ी है वो चीज दिया गया है, 18वीं बार और 23वीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है 23वीं। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर जो दिया गया है, 16 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल लगता है, 16 मई को जो स्थापना दिवस मनाया जाता है कौन से राज्य के लिए, हरियाणा, पंजाब, केरल, सिक्किम। इसका सही आंसर देख लेते हैं सिक्किम। अगला प्रश्न दिया गया है छठवां नंबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, ये 72, 78, 82 और 84 ईयर्स मेंशन है यहाँ पे ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाता है 84। अगला प्रश्न है सातवां, क्रोशिया के एग्रोग सिसमैक्स का किस फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, भारत और अमेरिका ऑप्शन में है। इसका सही आंसर हो जाता है भारतीय फुटबॉल टीम। अगला प्रश्न आठवां, भारत के जीएम लक्ष्मी को किस आईसीसी के मैच रेफरी पैनल में पहली महिला के रूप में शामिल किया गया, BCCI, ICC, उसके बाद PCB, केंद्रीय सरकार। इसका सही ऑप्शन जो हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा ICC। नौवां नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, बल्लेबाजी कोच क्रेग मैकमिलन की जगह हाल ही में किस पीटर फुलटन को किस देश की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्ति किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाता है न्यूजीलैंड। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का टॉप 10 का दसवां नंबर, निम्न में से किस देश की संसद ने देश में गर्भपात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अल्बामा और इराक। इसका सही आंसर होगा अल्बामा। तो इसी तरह हम लोग इस वीडियो में टॉप 10 जो प्रश्न देखे, इसी तरह से कल हम लोग मिलते हैं एक लेटेस्ट और 17/5/19 का करंट अफेयर के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें, बेल घंटी को भी दबा दिए रहें, जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, करंट अफेयर आएंगे, सब आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों।